सोचेंगे कि मैं ये क्या बना रहा हूं। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, स्ट्रेट स्टाइल तवा फिश करी। तो अगर आपने इतनी प्यारी रेसिपी बनाना सीखना है तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपने ये सारी चीजें बिना पानी डाले पीसना है, जैसे कि मैंने पीसा। उसके बाद एक ऐसा बड़ा सा बर्तन लेना है, इसके अंदर आपने डाल देना है मछली, ये देखिए। और आज मैं बोनलेस फिश बनाने वाला हूँ। ये है 2 किलो और ये है सॉल फिश, क्योंकि मैं जब भी होटल में बनाता हूँ तो वो सॉल फिश ही बनाता हूँ। तो अब आपने करना क्या है, जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो सारा इसमें डाल देना है, बिल्कुल भी बचाना नहीं है, और पानी डाल के ना पीसे। फिर से बोल रहा हूँ, पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये स्पाइसी होती है। दोनों का कलर देख रहे हैं आप, डिफरेंट है। और आपने डालना है नमक 2 टेबल स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ऐसे भर के डालें। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। ये देखिए, अच्छे से मसल मसल के मसाला लगा लें। आप इसको मसालेदार तवा फिश भी बोल सकते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनके तैयार होगी, मतलब अभी तक आपने जितनी भी फिश की रेसिपी बनाई होगी उससे ये डिफरेंट होगी, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। देखिए, ऐसे मिक्स करके मसाला लगा के मैरिनेट करके आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रखना है। तब तक आपने करना क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। ये है इमली, इसको हम भिगा के रखते हैं। तो आपने क्या करना है, भिगा के रखना है गर्म पानी के अंदर और इसको छान लेना है। ऐसे देखिए छान लें, और ये इमली का पानी मैं कितना डालूंगा ये आपको बताऊंगा डालने के टाइम। आज की रेसिपी स्पेशल क्यों है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो मैं इसको तवे पे बनाने वाला हूँ, दूसरा मैं तंदूर के ऊपर बनाने वाला हूँ। इसके लिए खास रेसिपी है, और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, आज जो आपने बर्तन लेना है कॉपर का नहीं होना चाहिए और लोहे का भी नहीं होना चाहिए, या तो एल्यूमिनियम हो या फिर स्टील हो। मेरा तवा स्टील का है, इसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए मैंने चढ़ा दिया इसको, तो आपने तंदूर पे तवा चढ़ाने के बाद क्या करना है, नीचे से ढक्कन खोल देना है, हवा जाएगी तभी गर्म होगा, तभी आपकी फेस या कुछ भी बना रहे बन पाएगा। तवा चढ़ाने के बाद आपने सबसे पहले इस पे डालना है तेल, कम से कम 1/2 कप, लेकिन पहले तवे को गर्म होने दें, उसके बाद डालें और तेल गर्म होने का इंतजार करें। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें सबसे पहले डालना है हींग, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने प्यार से ऐसे चलाना है और आराम से इनको फ्राई होने देना है, मतलब एक बढ़िया कलर और खुशबू आने का इंतजार करें। जैसे कि आपको पता है मैं तंदूर पे बना रहा हूँ, तो बहुत ही प्यार से धीरे धीरे कलर आएगा, और आज जो मजा आने वाला है आपको आज से पहले कभी नहीं आया होगा, ऐसा खाना बनने वाला है। आप जब भी तंदूर पे तवा रखते हैं तो आपको एक टेक्निक और बता दूं, अगर गर्म नहीं हो रहा है, टेम्परेचर स्लो है, तो आपने क्या करना है, सीक लेना है, और सीक चौरस होना चाहिए, गोल ना हो, चौरस क्या होगी, रुकी रहेगी, गोल इधर उधर घूमेगी। तो आपने देखिए ऐसे तंदूर के ऊपर रखना है सीक, फिर उसके ऊपर तवा रखे तो क्या होगा, फटाफट टेम्परेचर ऊपर से और नीचे से मिलेगा, हवा जाएगी तो फटाफट लाल हो जाएगा ये देखिए, और आपका खाना जल्दी से जल्दी बन जाएगा जितना जल्दी आप बनाना चाहते हैं। तो देखिए मैंने सीक रख दी, अब जीरा जो भी चीजें हमने डाली थी वो भी लाल हो गई है, देखिए पास से आपको दिखाता हूं। देखे ना कितना बढ़िया कलर आ गया, मतलब प्यार से धीरे धीरे, जिसको बोलते हैं ना सौंधी आंच में, ये सब पक रहा है। तो जब ऐसे कलर आ जाएगा, खुशबू आप तक पहुंच जाएगी, आपकी नाक तक, तब आपने क्या करना, जो फिश हमने मेरीनेट करके रखी थी वो इस पे ऐसे रख देना। देखिए अब आपको पता चल गया ना, गर्म होने लगा, ये देखिए कैसी आवाज आए, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से तवा गर्म हो चुका है, और हमें भी इतना कमी टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और तवे पे मैं ये बना रहा हूँ उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने एक फिश के ऊपर दूसरी फिश नहीं रखनी थी, पूरी फिश ऐसे फैला के रखनी थी, इसके लिए मैं तवे पे बना रहा हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें, एक के ऊपर एक ना रखें, सारी फिश ऐसे फैला के ही
रखें जैसे कि मैं रख रहा हूं। तो आपने मुझे जरूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ये टेक्निक कैसी लगी, ये सारी चीजें आपने बताना है कमेंट करके, तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। सब फिश आपने इस पे तवे पे जमा देना है सारी की सारी, और बीच में ना डालें, अभी बीच को खाली रखें, चारों तरफ ऐसे भर दें तवा जैसे कि मैं भर रहा हूं इसी तरीके से। देखिए जब आप सारी फिश तवे पे डाल देंगे और बाद में जो ये मसाला बचेगा ये भी आपने डाल देना है, बचाना नहीं है। देखिए ऐसे क्यों, जो ग्रेवी बनेगी वो इसी से ही बनेगी, तो सारा मसाला पोंछ के इसी के ऊपर ऐसे डाल दें। और आपने करना क्या है, मसाला डालने के बाद मछली को ज्यादा छेड़ छाड़ नहीं करना है, मतलब पलटा पुलटी ना करें, ये जो जगह खाली है ना ये तेल ऐसे आपने चारों तरफ फेंकना है मछली के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, या फिर आप ऐसे साइड में भी डाल सकते हैं यहां पर, ये देखिए इस तरीके से। तो ये काम आपने करना है, पलटा पुलटी ना करें, पूरी तरीके से एक तरफ फ्राई हो जाएगी उसके बाद ही आपने पलटना है, तब तक ऐसे करते रहें। ये देखिए सभी तेल को मछली के ऊपर डालें, देखें ना आप कितनी बढ़िया तरीके से फिश पक रही है, और सच बता रहा हूँ जो इसकी खुशबू आ रही है ना इतनी मजेदार है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप ये ना सोचें सिर्फ बीच में पक रही है, साइड में भी सारी तरफ से फिश पक रही है, देखिए कलर चेंज हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से धीरे धीरे, मतलब इतना मजा आ रहा है ना बनाने में बता नहीं सकता आपको, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो आपने करना क्या है, ऐसा एक लेडल ले लेना है और तेल को यहां से ऐसे उठाते रहना है और चारों तरफ इस तरीके से डालना है, ये देखिए जैसे कि मैं डाल रहा हूं, और फिश को पलटना है कब, जब पूरी तरीके से एक तरफ पक जाए, मतलब बीच में ना पलटें, पूरी तरीके से एक तरफ पकने के बाद तभी पलटें। पहले आपने ऐसे करके स्लाइसर से ये देखिए पलट के चेक कर लेना है कि फिश आपकी पकी या नहीं, ये देखिए कलर आ गया है पक चुकी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे आगे आगे के पीस एक एक करके पलटना स्टार्ट करें, देखिए जैसे कि मैंने किया, कलर देखिए ऐसा प्यारा कलर आना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारी फिश पलट दूंगा, पहले आपने आगे की पलटना है फिर पीछे जाना है, ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, और कुछ ना करें नहीं तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। आप मुझे बोलेंगे कि शेफ आपकी तो इतनी प्यारी बन गई, हमारी ऐसी बनी नहीं। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है और कुछ ना करें। मैंने सभी मछली पलट लिए, तो आपने भी पलट लेना है, फिर दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से पकने देना है, ऐसे ही देखिए, मतलब दोनों तरफ फिश में अच्छा कलर आ जाए, जब फिश में अच्छा कलर आएगा फिश फ्राई होगी तभी इसका मसाला अच्छे से पक पाएगा, नहीं तो क्या होगा, प्याज का कच्चे लहसुन का आपको टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मतलब जितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है ना फिर सारा बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छे से फ्राई करें, जब ये अच्छी तरीके से फिश फ्राई हो जाएगी दोनों तरफ बढ़िया बेहतरीन कलर आ जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है इमली जो हमने छान के रखी थी, देखिए इसमें मेन चीज यही है, इमली का पानी, इसी से ग्रेवी बनेगी। तभी मैंने आपको बोला था कि आप आज लोहे के बर्तन में या फिर कॉपर के बर्तन में ना बनाए, पानी मैं कितना डाल रहा हूँ इमली का, तो आपने कम से कम 2 कप डालना है, मैंने भी 2 कप डाला है, आप भी 2 कप डालें, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना आपको। अब आपने क्या करना है, ऐसे डालने के बाद ऐसे एक बार मछली को चलाना है इस तरीके से, ये देखिए स्लाइसर को उल्टा करके ऐसे चलाएं बड़े प्यार से, तभी मैंने बोला था ना आज आपने तवे पे बनाना है, मतलब सारी फिश खुली खुली पकाना है आपने। देखिए ऐसे चलाने के बाद क्या करना है आपने, अब इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारना है, आप 1 कप पानी डालें, 1 कप पानी को ऐसे चारों तरफ छिड़क के डालें, उसके बाद प्यार से ऐसे चलाएं एक बार जैसे कि मैं चला रहा हूं, देखिए वाह शानदार बेहतरीन लाजवाब। ऐसे चलाने के बाद आपने इसको टेस्ट करना है, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब आपने क्या करना है, जो तंदूर के नीचे हमने सीख रखी थी वो भी हटा देना है, क्योंकि अब हम इसको एकदम स्लो में पकाएंगे। सीख हटाने के बाद आपने इसको ऐसे ढक देना है एक बड़ी परात से, सिर्फ 5 मिनट।
अब 5 मिनट हो चुके हैं तो मैं ढक्कन हटाने वाला हूं, तो आपने दिल को थाम के बैठना है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग गया है, मेरा काम पसंद आया गया है, तो आपने क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। ये देखिए क्या चीज बन के तैयार हुई है। 1, 2, 3 वाह, देखा ना आपने, चमक, कलर, खुशबू बता नहीं सकता। खुशबू के बारे में क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज है। आपने जब बनाना है तो मुझे बताना है। अब आपने इसके ऊपर डालना है, इस टाइम पे कम से कम 20 से 25 30 भी डालें कड़ी पत्ते, अभी डालें, पहले ना डालें, फिर से बोला, और ढेर सारे धनिया के पत्ते। आया ना मजा? आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर से बोला। अब आपने ऐसे हल्के हाथ से मिक्स किया, ऐसा सिलासर होना चाहिए या फिर इससे पतला हो, इससे मोटा ना हो, नहीं तो आपकी फेस टूट जाएगी। देखिए ऐसे मिक्स किया प्यार से, बड़े प्यार से, और अब ये है पीकअप। इसको बहुत ही प्यार से हल्के हाथ से मैं डाल दूंगा फूड पैन के अंदर। यहाँ पर ही खड़े खड़े फूड पैन में डाल देता हूँ, क्योंकि तवा बहुत भारी है इसके लिए, तो आप भी ऐसा ही करें। अगर भारी तवा है तो ऐसे ही डाल लें, यहाँ वहां ले जाने की जरूरत नहीं। और क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको फूड पैन में डालेंगे वैसे वैसे इतनी बढ़िया पकेगी, देखिए, और खुशबू इतनी भयंकर आएगी ना, आपका अभी अभी खाने का मन कर जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना आप, ऐसी पकते पकते चीज को उठाएंगे तो कितना मजा आएगा आपको। वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले, ये देखिए मजा आ गया। तो अब मैं इसी तरीके से फूड पैन में भर लूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।